हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिससे परेशान तो सब हैं, पीड़ित तो सब हैं, महसूस सब करते हैं इसकी तपन को, इसकी कड़वाहट को, इसकी जलन को, इसके कसैलेपन को, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये आता कहाँ से है, होता कहाँ से, कैसे ये हमारे समाज में चलता ही जा रहा है। व्यक्ति विशेष से पूछा जाए तो हर कोई इसका विरोधी है, फिर भी ये समस्या हटती क्यों नहीं है, तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल। देखिए, मर्दवादी सोच के तो बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत तरह तरह के विभत्स रूप हैं, इसके बहुत से बदरंग हैं, इसके बहुत तरह की कालिखे हैं, इसका बहुत तरह का अधेरापन है। लेकिन मैं बात करूंगा आज स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के आधार पर मर्दवादी सोच की, अर्थात मैं बात करूंगा आज सेक्स की। स्त्री पुरुष अगर आपस में सेक्स करते हैं तो यह प्राकृतिक क्रिया भी है, यही व्यभिचार भी है, और यदि स्त्री के इच्छा के बिना किया जाए तो यही बलात्कार भी है। हम अपने समाज की सोच को दर्शाएंगे कि हमारा समाज यहाँ क्या सोच रहा है। आप कहेंगे कि समाज तो ये मानता है कि बलात्कार नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो गलत है। तो मेरा यहीं पर तो सवाल है समाज से कि अगर ये समाज मानता है कि बलात्कार खराब है तो बलात्कारी नेताओं को क्यों चुन रहा है? बलात्कार के आरोप में किसी पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको बचाव में क्यों खड़ा हो रहा है? ये वही समाज है ना। आज देखिए, संसद भवन में या मंत्री परिषदों में अब तो बलात्कार के आरोपी बैठे हुए हैं, यानी जनता उसको तब हल्के में लेती है। समाज मैंने लिखा, मैंने पुरुषों की मर्दवादी सोच नहीं लिखा, मैंने समाज की लिखा। स्त्रियों की भी सोच गंदी है इस मामले में। अब चलिए दूसरी ओर आइए, आप मेरी ही बात का काउंटर कर देंगे यह कहकर कि सर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। आप देखिए, वरुण गांधी भाजपा के नेता एक समय पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, 2017 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव के ठीक पहले। उसी समय उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो किसी महिला के साथ मैथुन कर रहे होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं। उस वीडियो को देख करके या उस महिला के द्वारा कहीं से भी आरोप नहीं है कि रेप था, न तो वीडियो को देख कर लगेगा रेप था और न तो कहीं से किसी महिला ने शिकायत की कि उन्होंने रेप किया था। लेकिन उसकी वजह से उनका मुख्यमंत्री पद का दावा समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो बल्कि मुंह छिपाए फिरते हैं। तो ये तो बड़ी विसंगति है कि एक तरफ जो रेप के आरोपी हैं या जिन्होंने पर रोए रेप के बारे में समाज मान रहा है कि रेप किया होगा, उनको समाज चुन दे रहा है। दूसरी तरफ अगर कहीं ये खुलासा हो गया कि कोई पुरुष नेता किसी महिला के साथ प्रेम संबंध में था, शारीरिक संबंध में था, तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, उसके चरित्र का हरण हो जा रहा है। दरअसल यही मर्दवादी सोच है जिसको मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मर्दवादी समाज की सोच, समाज मर्दवादी क्यों है? समाज कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जहां स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध न हो। और शारीरिक संबंध दो तरह से हैं, स्त्री से प्रेम के साथ और स्त्री से जबरदस्ती। जो प्रेम के साथ है उसको हम रेप नहीं कहेंगे, जो जबरदस्ती है वही रेप है। आज के मेरे इस व्याख्यान में, वो जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की सहमति दी और बाद में फिर उसको ने रेप का आरोप लगा दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो कानून में रेप बनाया गया, वो भी इसीलिए रेप बनाया गया ताकि प्रेम प्रसंग से लोग संबंध बनाने से डरें, वो भी इसीलिए बनाया गया है। वो भी मर्दवादी सोच का एक तरीका है। और जो लड़कियां प्रेम प्रसंग के आधार पर बनाए गए संबंधों पर बाद में रेप का आरोप लगाती हैं, वे भी मर्दवादी समाज की सोच रखती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने शारीरिक संबंध सहमति से बनाया हो, यदि उस पर तकनीकी कारणों से रेप का आरोप लगाया गया तो मैं उसके बचाव में खड़ा हूं, अपने एक अधिवक्ता की पूरी सेवाएं उसको देने को तैयार हूं, क्योंकि यह गलत है।
कानून बदलने की बात भी न्यायालय बार बार कर रहा है कि आप 18 साल जो उम्र ले गए हैं यह गलत है, पहले उम्र 16 साल थी सहमति देने की। प्रेम प्रसंग को रेप बनाने के लिए ही यह उम्र 18 साल की गई है, और यदि इसलिए नहीं की गई है तो कारण यही है, दिखाई तो यही देगा। मर्दवादी समाज की शर्मनाक हकीकत के लिए मैं कुछ वाक्य सुनाऊंगा कुछ बड़े नेताओं के। सबसे पहले आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जब ये प्रधानमंत्री पद की तैयारी में थे 2012 में इन्होंने एक जनसभा में एक भाषण दिया था। इन्होंने कहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भाई जिसकी गर्लफ्रेंड है वो 50 करोड़ की होगी, वो अरबों की होगी, वो 5 पैसे में होगी, इससे आपसे क्या मतलब। लेकिन समाज इस पर ठहाके लगा रहा है, समाज इस पर ताली पीट रहा है, क्योंकि समाज को इससे ही मतलब है कि वो गर्लफ्रेंड रखने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी किसी से प्रेम करने वाले पुरुष का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक, लेकिन जरा दूसरी तरफ चलिए, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा देता हूं, और एक नेता की बात नहीं बताऊंगा, 2-3-4 नेताओं की बात बताऊंगा। इस नाते इस वीडियो को पार्टी से मत जोड़ना, और अगर जोड़ोगे भी तो क्या करोगे, जोड़ो, क्योंकि पार्टी भी समाज की है, समाज की सोच के अनुसार वो चुनाव जीतना चाहती है, समाज के उसी गंदे सोच में अपने को ले आती है जिससे कि समाज का किस सोच से जल्दी से समर्थन मिल जाए। पार्टियां सुधारवादी आंदोलन नहीं चलाती, वो समाज की गंदगी का ही लाभ उठा लेना चाहती हैं, हर पार्टी यही करती है कमोबेश। और एक बात और बता दें, जो पार्टी समाज की गंदगी का सोच उठाना लाभ उठाना चाहती है वो आसानी से सफल हो जाती है, जिसको समाज सुधार करके लाभ लेना होता उसे बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी जी, वो किसी के गर्लफ्रेंड के बारे में डेटा उनको पता था, कैसे वो जान गए कि 50 करोड़ दिया था, वो उस पर कमेंट करते हैं पब्लिक मीटिंग में, आज तक इस पर बोले, ये कौन सा आरोप है। ये उन्हीं के सांसद पर रेप का आरोप, रेप तो नहीं लेकिन अन्य तरह के यौन दुराचारों का आरोप लगाने वाली साक्षी मलिक हैं ये। ये देखिए इनको कौन पकड़ रहा है, पुलिस पकड़ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर पूरे दुनिया ने देखा। तब आज के प्रधानमंत्री जिनकी जिम्मेदारी थी इन बेटियों के आंसू पोंछने का, तब इन्होंने बोला, नहीं बोला, गर्लफ्रेंड कोई 50 करोड़ की रखे या 5 रुपए की रखे उस पर इन्होंने तंज कसा और समाज ने हंसा ताली बजाई। यानी महिला से प्रेम करने पर व्यंग और महिला का शोषण करने पर अगर रो रही है तो इससे भी विभत्स एक तस्वीर दिखाऊंगा। पहले तो जब वो रो रही है तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसको झूठा साबित करो, सुनो मत, क्या निकल के आया, करना कितना था। आरोप झूठे सच्चे लगते रहते हैं, लेकिन संस्था के प्रमुख के नाते करना कितना था, सिर्फ इतना भर करना था कि जैसे सामान्य प्रक्रिया सबके ऊपर चलती है वैसे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर ये केस झूठा था तो इकलौता झूठा केस था, न जाने कितने युवक इस देश में जेलों में झूठे रेप के मामलों में फंसे हुए हैं। तो चिंता अगर करनी है सबकी कर लीजिए, लेकिन आपने एक गर्लफ्रेंड के मामले को हाईलाइट किया, और एक जगह आपने जब महिला ने पुकार की कि मेरा चीरहरण हुआ तो आप मौन साध गए, यानी महिला को से अगर प्रेम कोई करेगा तो व्यंग का पात्र है, और महिला के साथ अगर दुराचार हो गया, जबरदस्ती किया गया तो वह असंवेदना का दृश्य है, उस पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही है मर्दवादी सोच। आगे भी दिखाता हूं एक और घटिया मर्दवादी सोच, और यह एक व्यक्ति की सोच मैं नहीं बता रहा हूं, यह समाज की सोच है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं बहुत बड़े पैमाने पर। यह इत्तेफाक है कि हमारे सामने दृष्टांत के तौर पर आज के प्रधानमंत्री जी हैं, और भी नेता अभी आएंगे। मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, हर कोई निंदा कर रहा है। 2 दृश्य को देखिए, 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई थी, हम तो कश्मीर से दुल्हनिया लाएंगे, ये क्या थी, मर्दवादी सोच। सब प्लॉट खरीद रहे थे, दुल्हन ला रहे थे, कोई यहां से दुल्हन लेके उधर नहीं भेज रहा था, मर्दवादी सोच। लेकिन वही लिखने वाले मणिपुर में जब 2 बेटियां नंगा कर दी गई, सुनिएगा फिर से कि 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की खुशी मनाने में
समाज के जो लोग ये लिख रहे थे, जिस समाज के लोग ये लिख रहे थे कि हम वहाँ से दुल्हन लाएंगे, हम वहाँ प्लॉट खरीदेंगे, पुरुषवादी सोच, मर्दवादी सोच से जो लिख रहे थे, जब मणिपुर की दो बेटियों को नंगा करके घुमा दिया गया तो चुप हो गए। अब वहाँ वो दूल्हा बन के नहीं गए, अब वो पति बन के रखवाली करने नहीं गए। मर्दवादी सोच, ये है मर्दवादी सोच समाज की। और समाज इस समय इस बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है। मैं और भी दिखाऊंगा आपको एक और घृणित तस्वीर। ये है विनेश फोगट, भारत के लिए कुश्ती में मेडल जीतने वाली, ये रो रही हैं। लेकिन नकली तस्वीर बनाई गई थी, अब ये साबित हो चुका है कि ये तस्वीर नकली थी, जिससे कि महिला के दर्द को झूठा साबित किया जा सके। आज से नहीं किया गया है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के आखिरी में उत्तरकांड में जब अपना निचोड़ लिखा तो दो काम किया। एक तो उत्तरकांड में उन्होंने सीता के निष्कासन पर दर्द ही नहीं लिखा, लिखा ही नहीं, चैप्टर को छोड़ दिया उन्होंने, जिससे स्त्री दर्द का जो राम का के जीवन का जो हिस्सा है वो दिखाई ही न दे। और अपने विचार में क्या लिख दिया, अवगुण आठ सदा उड़ रहे हैं। सारी स्त्रियों के हृदय में हमेशा आठ तरह के अवगुण रहते हैं। तो मेरा विषय उधर जाने का नहीं है, इस नाते में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, कभी चर्चा करूँगा एक बात के साथ कि धर्म ग्रंथ में लिखी हर बात धार्मिक नहीं है। ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये किस समाज की तस्वीर है कि एक स्त्री जो रुदन कर रही है। अब तो रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिपोर्ट आ गई कि हाँ लगाए गए आरोप सच्चे थे। ठीक है, अदालत ने में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन पुलिस ने तो दे दिया रिपोर्ट। कौन शर्मिंदा है इस तस्वीर को शेयर करने के लिए। यानी स्त्री के साथ, फिर से मैं 50 करोड़ गर्लफ्रेंड वाली बात करूंगा कि स्त्री के साथ अगर कोई प्यार कर रहा है तो उपहास का पात्र है, वो शशि थरूर है, और रेप करेगा तो बाहुबली है। क्या मजाक है, यही मर्दवादी सोच है। इसी नाते रेप करने वाले सदन में बैठते हैं, रेप करने वाले मंत्री बन जाते हैं, और अगर कहीं कोई महिला से एकांत में अपने निजता के अधिकार का प्रयोग करते हुए सेक्स कर रहा होता है तो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देने से वो बदनाम हो जाता है। ये समाज का, समाज की सोच है, जिसने वरुण गांधी की उस तस्वीर पर उनको बदनाम मान लिया। और ये भी गंदी सोच है कि सेक्स केवल पुरुष ही करता है, स्त्री नहीं सेक्स कर रही है क्या, वो भी तो सहभागी नहीं है उसमें, उसका भी तो प्राकृतिक अधिकार है। तो स्त्री के साथ अगर उसकी इच्छा से, उसकी सहमति से, उसको खुश करके, उसको प्यार करके अगर मैथुन हो रहा है तो ये व्यंग है, उपहास है, ये तो हल्की बात है, ये तो ऐसा है। और अगर उसको रौंदा जाए, कहीं कुचला जाए, तो ऐसा करने वाला बाहुबली हो जाता है। आगे चलते हैं, एक दूसरे नेता का जिक्र करेंगे जो अब नहीं है दुनिया में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। रेप कानून में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत से बेगुनाहों को भी फंसाया जाता है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। अगर वो ये बोले होते कि बहुत से ऐसे भी लड़के फंसा दिए जाते हैं जो ऐसा नहीं किए होते हैं, या वो ये कहते हैं कि जो रेप करते हैं उनको सजा दो, बेटा तुम मोहब्बत करना सीखो, रेप मत करो, क्या बयान दिए, गलतियां हो जाती हैं, रेप कर दिए तो गलतियां हो जाती हैं। कितना शर्मनाक बयान है ये मर्दवादी बयान है, यही मर्दवादी सोच है। और इस सोच का समर्थक सिर्फ पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां भी हैं। तमाम वो स्त्रियां जो पहले प्रेम प्रसंग में किसी पुरुष के पास आती हैं और फिर उस पर रेप का झूठा आरोप लगाती हैं और उससे पैसे वसूलती हैं, आजकल इस तरह के केस बहुत बढ़ गए हैं। मैं फिर से पेशकश कर रहा हूं कि जो कोई पुरुष इस तरह सताया हुआ हो, लेकिन ईमानदारी से आना, अगर झूठ आके बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। ईमानदारी से आओ कि तुम्हें गलत फंसाया गया है, तुमने मैथुन किया, स्वीकार करो। वरुण गांधी की वीडियो जारी करना न केवल उनका अपमान था, न केवल उस महिला का अपमान था, बल्कि संविधान का भी अपमान था, क्योंकि हमारा संविधान हमें निजता का अधिकार देता है। इन तीनों अधिकारों की अवहेलना में वो वीडियो जारी किया गया था। इसके अलावा समाज में अश्लील वीडियो जारी करना भी एक अपराध है। लेकिन
जिसका चाहे उस महिला की बात करें या वरुण गांधी की बात करें जिनकी वो वीडियो जारी की गई, वो बैकफुट पर हो गए, क्योंकि समाज करते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं सबके लिए, समाज में वो आदमी लांछित हो गया। तो आगे चलते हैं, एक बात और कहूंगा कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मर्दवादी सोच का एक सबसे शर्मनाक नमूना, अगर कोई लड़की अपने मन से कहीं शादी कर ले तो अकुलक्षणी हो जाती है, जबकि भगवान कृष्ण के समय में स्वयंवर था, राम जी का विवाह स्वयंवर से हुआ, उन न जाने किताबों की ही प्रथा है, वो किताबों में ही रह गई, वो तो अब व्यवहार में है नहीं, कुछ परिवार भले अपना ले। यहां तक कि अगर वो अपनी इच्छा से कहीं जाने लगी तो गर्दन काट दी जाएगी और इस समाज उस पर कुछ नहीं कहता, गर्दन काट दी जाती है। भारती यादव से प्यार करने वाले एक युवक नीतीश कटारा को भारती यादव के भाई स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालते हैं। हमारी बहन से प्यार कोई कैसे करेगा? अगर वो भारती यादव भरत यादव होती और नीतीश कटारा नीतीशा होती तो शायद यही विकास यादव विशाल यादव अपनी गाड़ी में लिफ्ट लेकर नीतीशा को बैठा के अपने भाई भरत के यहां छोड़ जाते, अरे मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, या कुछ और भी गंदे शब्द का प्रयोग कर लेते। यह है मर्दवादी सोच, और यह सोच समाज में, मैंने राजनेताओं से क्यों दृष्टांत दिया, क्योंकि ऐसे बयान देने के बाद भी, ऐसी सोच रखने के बाद भी नेता चुनाव क्यों जीतते हैं, क्योंकि यह उनकी भर सोच नहीं है, हो सकता है कि उनकी निजी सोच हो ही नहीं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको यह सोच पसंद है, आप वोट देंगे ऐसी सोच पर, और देखा यही गया है। लेकिन भला हो कि इस धरती पर एक नायक माना गया है भगवान कृष्ण को, जिन्होंने स्त्री से प्रेम करना सिखाया है, जिन्होंने प्रेम को आदर्श और सम्माननीय दृष्टि से देखे जाने की बात की है। बलपूर्वक तो साड़ी खींचे जाने वालों का जंघा तोड़वाया उन्होंने, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जबकि एक तरफ धर्म की ढोल बहुत तेज बजाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बलात्कारी सदन में बैठ जा रहे हैं। तीसरी बात करूंगा एक और नेता जी की, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, कई कारणों से मेरे आदर्श हैं वो, कई कारणों से, सभी कारणों से नहीं कोई हो सकता, कई कारणों से। इनका एक बहुत पुराना बयान मैंने सुना था कि अगर वो मेरी दो बेटियां ले जाएं तो मैं उनकी 100 उठा लाऊंगा। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा योगी जी, वो जो 100 लाएंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे बता दीजिए। नहीं, भगवान राम का तो मैंने रामायण में रामलीला में अभिनय किया है, उनकी तो एक रावण उठा ले गया अपनी, एक ही को लाने के लिए गए लंका तक और एक ही लेकर आए, जब जीत लिए थे जितने चाहते उतने पुष्प विमान पर उठा लाते, न तो पुष्प विमान पर जगह कम थी न लंका में महिलाओं की कमी थी, वो तो एक ही लाए अपनी वाली लाए। तो दो सवाल मैं पूछूंगा कि ये कौन सी सोच है, क्या ये रामचरित की सोच है, ये कौन सी सोच है जिसमें आप कहते हैं या कहे हैं कभी भी कि अगर वो मेरी दो ले जाए, वो कौन है पहले तो, क्या वो कोई एक कोई संगठन है कि जो इकट्ठा होके बैठेगा और दो लाएगा, आप किन्हीं दो को कह देंगे कि ये सब हैं वही, तो वो मेरी दो ले जाएं, फिर आप कौन हैं जो जाके 100 किन 100 को उठा के लाएंगे। इसी तरह के विचार पर बंगाल के पुरलिया में एक न्याय हुआ था, ये हमारी आदिम सोच है, ये जाहिलियत वाली सोच है, ये आधुनिक भारत की सोच नहीं है। पुरलिया में, पश्चिम बंगाल राज्य की बात कर रहा हूं, 2013-14 के आसपास की घटना है, हो सकता है 13 के आसपास की है, 13-14। एक लड़का पड़ोस की एक लड़की को या थोड़ी दूर की एक लड़की को भगा ले गया, वहां पंचायत बैठती है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, पंचायत में क्या फैसला होता है, उस फैसले को इस नेता के बयान से जरा जोड़िएगा कि मेल खाता है कि नहीं। पंचायत ने फैसला सुनाया कि वो चूंकि उस लड़की को लेके चला गया है, इस नाते उसकी बहन के साथ रेप किया जाएगा। 13 वर्षीय बहन के साथ 17 लोग रेप करते हैं, ये मामला पब्लिक डोमेन में है, मैं उस समय भी वीडियो बनाया था, पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर है, आप सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। ये क्या था, ये तो था कि तुम मेरी बहन को लेकर भागोगे तो हम समाज के लोग तुम्हारी बहन का रेप करेंगे, ये मर्दवादी सोच है।
जो भागी है वो प्रेम में गई है, और जिसको तुमने दंडित किया, अगर वो गुनाह है तो है लेकिन वो प्रेम में गई है, और जो तुमने किया वहां स्त्री रो रही है, तड़प रही है, ये मर्दवादी सोच है। इस नाते एक विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को न तो योगी जी के खिलाफ मानिए, न मोदी जी के खिलाफ मानिए, न माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो स्वर्गीय हो गए उनके खिलाफ मानिए, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इन लोगों के विचार दिए उसके जरिए मेरा एक उद्देश्य था कि मैं दृष्टांत के जरिए आपको समझा सकूं कि समाज क्या सुनता है और क्या स्वीकार करता है। एक आखिरी बात कह के बात वीडियो को बंद करूंगा, इस निवेदन के साथ कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो बात यह है कि अगर कहीं कोई बेटी अपने मन से विवाह कर लेती है तो जो समाज उसकी गर्दन काट देता है, जिस पर मैं विकास विशाल यादव का दृष्टांत दिया था, उसी समाज की किसी ब्याहता को जब जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो लोग उसको उसकी किस्मत मानकर चुप हो जाते हैं। तब न तो उस पंडित जी को पकड़ते हैं जिन्होंने कुंडली मिलान किया, न उस पंडित जी को पकड़ते हैं जिन्होंने रात में साखोचार मंत्रोचार किया, न समाज के उन नमूनों को पकड़ते हैं जो प्रेम के विरोधी खड़े होते हैं। ये कौन सी मोहब्बत दिखाई दी? डेटा से जिस दिन बात कर लेंगे ना, जिस तमाम विवाहिताओं की मौत होती है, और अब एक दूसरा भी पहलू आ गया कि अब महिलाओं के द्वारा भी पुरुष सताए जा रहे हैं, वो भी मर्दवादी सोच का ही नतीजा है, वो एक अलग विषय है, मैं फिर कभी बात करूंगा। तो जब कभी बेटी प्रेम में जा रही है, उसकी गर्दन जिस तरह से समाज काट लेता है, जब उसके ससुराल में मारा जाता है, तो समाज की क्या वही प्रतिक्रिया होती है? अगर होती है तो समाज कम से कम संतुलित तो कह सकते हैं, अगर नहीं तो मर्दवादी है। इस मर्दवादी सोच को जब तक कम नहीं करेंगे, तब तक नारियस्तु पूज्यन्ते केवल किताबों में रहेगा, क्योंकि ये तो वो लोग भी पढ़ लेते हैं जो उसके पीछे बलात्कारियों को अपने साथ बैठा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।